नमस्कार बच्चों, एडुविला पॉइंट चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 के विषय हिंदी दो बैलों की कथा पठित गद्यांश से कार्यपत्रक 26 को। तो कार्यपत्रक 26 में हम इन सभी बातों को पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, दो बैलों की कथा पाठ के अंतिम अंश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यह अंतिम अंश है, इससे पीछे भी हम लोगों ने इस चैप्टर से बहुत सारी बातों को पढ़ा है और हमने जाना है कि यह चैप्टर मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखित एक मशहूर कहानी से ली गई है। दोनों बैल जब मवेशी खाने से भाग कर आते हैं, जहां दोनों नीलाम हो गए रहते हैं, तो वहां से भाग कर अपने घर झूरी के पास के लिए चल देते हैं और दोनों उन्मत्त होकर मतलब उछलते कूदते बछड़ों की भांति कुलेले भरते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है, थान कहा जाता है जहां बैल बांधे जाते हैं, उस स्थान को थान बोलते हैं। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दढ़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला था। दढ़ियल कौन? जिसने इन लोगों को बोली लगाकर नीलामी में खरीदा था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था, बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू गिरने लगे, मतलब बैलों की आंखों से भी आनंद के आंसू गिरने लगे और झूरी की आंखों से भी आनंद के आंसू गिरने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था, दढ़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं, तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से निराम लिए आता हूँ। मैं तो समझा हूँ चुराए लिए आते हो, चुपके से चले जाओ। झूरी ने कहा कि मेरे बैल हैं, तो दढ़ियल बोलता है कि तुम्हारे कैसे हैं? मैंने मवेशी खाने से नीलाम लिया है। तो फिर झूरी बोलता है कि मैं तो समझ रहा हूँ कि तुम इसको चुरा कर ले जा रहे हो, चुपके से चले जाओ यहाँ से। मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। झूरी ने कहा कि जब मैं बेचूंगा तब ये बिकेंगे, किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? जाकर थाने में रपट कर दूंगा, मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं, मतलब कि मेरे द्वार पर खड़े हैं इसलिए बैल मेरे हैं। अब यहाँ प्रश्न है, जैसे कि कौन उन्मत्त होकर बछड़ों के भांति कुलेले कर रहे थे? तो हीरा और मोती। अब दूसरा प्रश्न है कि बैलों को देखते ही झूरी ने क्या प्रतिक्रिया दिखाई? प्रश्न तीन है, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, यह कथन किसने किससे कहा? प्रश्न चार है कि झूरी ने बैल उसके हैं ये क्या कहकर साबित किया? और पांचवा प्रश्न है कि मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू गिरने लगे, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। और प्रश्न छः है कि मैं मवेशी खाने से नीलाम लिया आता हूँ, किसने कहा? तो ये दढ़ियल ने कहा था। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। प्रश्न एक, कौन उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति चल रहे थे, मतलब कि कुलेले कर रहे थे, यहाँ कुलेले होगा, कुलेले कर रहे थे। तो उत्तर क है, हीरा और मोती। फिर प्रश्न दो है कि बैलों को देखते ही झूरी ने क्या प्रतिक्रिया दिखाई? तो इसका उत्तर है, बैलों को देखते ही झूरी दौड़ पड़ा और बैलों को बारी बारी से गले लगाने लगा। उसके बाद प्रश्न तीन है, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, यह कथन किसने किससे कहा? इसका उत्तर है कि यह कथन झूरी ने दढ़ियल से कहा। फिर प्रश्न चार है, झूरी ने बैल उसके हैं यह क्या कहकर साबित किया? तो इसका उत्तर है कि झूरी ने बोला कि यह बैल मेरे हैं क्योंकि मेरे द्वार पर खड़े हैं। फिर प्रश्न पाँच है कि मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू गिरने लगे, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है, जब मैं सातवीं कक्षा में पढ़ता था तब मेरे एक मित्र के पापा का स्थानांतरण हो गया, वह दूसरे शहर चले गए, लेकिन अगले ही साल उनका स्थानांतरण दोबारा हमारे ही शहर में हो गया। जब हम दोनों मित्र एक साल बाद मिले तो हमारी आंखों में आंसू आ गए। फिर प्रश्न छः है कि मैं मवेशी खाने से नीलाम लिया आता हूँ, यह किसने कहा? इसका उत्तर ग है, यह दढ़ियल ने कहा। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट और आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।